बिरवान के हो पात। दोस्तों ये कहावत श्योर कि आपने जरूर से जरूर सुनी होगी लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसी कंपनियां दिख रही हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन ये कंपनियां बिलोंग करती हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स की कैटेगरी से और आपको इन कंपनियों में ढूंढना है कि कौन सी कंपनी आने वाले समय में आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिटेबल रिटर्न देगी तो आई एम श्योर कि 99 नाइन आउट ऑफ हंड्रेड टाइम्स हम में से मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फेल हो जाएंगे हमें ऐसे स्टॉक्स नहीं मिल पाएंगे जो कि हमें श्योर शॉर्ट रिटर्न दें लेकिन अगर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें कि इन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया जाए जो कि ज्यादा इफिशियंट है और जिनमें रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है आज के स्टार कल के सुपर स्टार सुपर हीरोज़ में इन्वेस्टमेंट करने की जो कि हमारे पोर्टफोलियो को अच्छा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है राइट ये बेसिकली सेवन टॉप सेवन स्टॉक्स का इंडेक्स है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो निफ्टी फाइव है माइक्रो कैप है कहीं पर मिड कैप है कहीं पर निफ्टी फिफ्टी है निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो ये बेसिकली कई सारे इंडाइसेस हैं जो कि आउट ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स बने हुए हैं अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो कि है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 तो ये बेसिकली जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है तो आप यहां पे ध्यान दीजिए तो ये पर्टिकुलर जो निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है इसमें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स शामिल है यानी कि टॉप 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स में से भी टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स और टॉप निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक्स में से भी टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को कंबाइन करते हुए निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 स्टॉक्स की ये पर्टिकुलर इंडेक्स जिसमें कि बिना किसी फंड मैनेजर बायस के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ठीक है अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई इंडेक्स फंड क्या होता है तो देखिए जैसे कि हमने निफ्टी 50 की बात की थी अभी निफ्टी 50 हमारा क्या है टॉप 50 स्टॉक्स का बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बास्केट है राइट मान लीजिए कि एक फंड हाउस है फंड हाउस ए जो फंड हाउस एक पर्टिकुलर इंडेक्स फंड लेके आता है इंडेक्स फंड ए और ये इंडेक्स फंड क्या करता है कि जो भी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में स्टॉक्स हैं उसको पूरा का पूरा रेप्लीकेट करता है तो बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स फंड इज़ नथिंग बट रेप्लीकेशन ऑफ द बेस इंडेक्स और यहाँ पे ऐसे इंडेक्स फंड्स जो कि सर्टेन इंडेक्स को रेप्लीकेट करते हैं हमें उसी तरह का रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं जैसा कि हमारा ओवरऑल इंडेक्स देता आता रहा है ठीक है सो so, अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स फंड की तो बेसिकली ये एक हमें एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ मिड एंड स्मॉल साइज कंपनी एंड इसके साथ ही साथ ये हमारा रिस्क को भी रिड्यूस करता है ओवरऑल मार्केट इन्वेस्टमेंट में और इसके साथ ही साथ यहाँ पे सिंस मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज हैं तो यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पैशिव इन्वेस्टिंग होती है जैसे कि हमने कहा था राइट अभी कि बिना किसी फंड मैनेजर बायस के यहाँ पे इन्वेस्टिंग होती है इंडेक्सेस में तो ऐसे में इट्स जस्ट काइंड ऑफ मिररिंग इंडेक्स एंड जैसा निफ्टी मिड स्मॉल कैप फोर इंडेक्स रिटर्न देता आ रहा है हमें वो सर्टेन इंडेक्स फंड्स जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिप्लिकेट करते हैं वैसे ही रिटर्न्स देंगे लॉन्ग टर्म में ठीक है सो so बेसिकली जैसा कि हमने कहा राइट right? ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं कई सारे सेक्टर्स हैं और यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन आप ध्यान दें तो फाइनेंशियल सर्विसेज करीब करीब इक्कीस परसेंट के आसपास है हेल्थ केयर यहाँ पे 10 परसेंट ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 7 परसेंट कैपिटल गुड्स यहाँ पे 14 परसेंट तो मोर देन ट्वेंटी सेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है तो ये जैसे कि हमने कहा कि आपको ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए और ऐसे में यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस ने लॉन्ग टर्म में ये प्रूव किया है कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं ठीक है सो so, जहां तक बात करें इंडेक्स फंड एंड एक्टिवली मैनेज फंड्स के डिफरेंसेस के बारे में तो वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब ध्यान दीजिए तो जैसे कि हमने कहा ये जो हमारा इंडेक्स फंड होता है ये बेसिकली एक सर्टेन बेंचमार्क को मिमिक करता है यानी कि उसको रेप्लीकेट करता है वहीं पे एक्टिवली मैनेज फंड्स जो होते हैं इट मे और मे नॉट बीट द बेंच क्योंकि वो बेंच को मिमिक नहीं करता है और वो पूरा का पूरा फंड मैनेजर्स का डिसीजन होता है कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं कौन से स्टॉक्स नहीं लेने हैं उस सर्टेन पोर्टफोलियो में तो ऐसे में मैनेज्ड फंड्स जो होते हैं वो बेंचमार्क से ज़्यादा भी रिटर्न्स दे सकते हैं बेंच मार्क से कम भी रिटर्न दे सकते हैं तो वहाँ पर रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है ठीक है तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है यहाँ पे एडेड रिस्क नहीं होते हैं और जैसा कि हमने कहा यहाँ पे स्टॉक पिकिंग की जब बात होती है तो इंडेक्स फंड्स में हम बेसिकली कॉपी करते हैं बेंच इंडेक्स को और यहाँ पे मोर कंसंट्रेटेड पोजिशन हमें देखने को मिलती है एक्टिवली मैनेज तो ऑल इन ऑल एक्टिवली मैनेज फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और वहीं पे जो इंडेक्स फंड्स हमारे होते हैं सिंस ये रेप्लीकेट करता है सर्टेन इंडेक्स को तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत रिस्क कम होता है और हमें ऐसे ही रिटर्न मिलते हैं जैसे कि हमारा इंडेक्स देता आ रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो कि एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है शियल लाइफ मिड स्मॉल कैप 400 तो इंडेक्स फंड Life Mid -Small -Cap 400 Index Fund, जिसका कि एन एफ ओ क्लोज हो रहा है फिफ्टींथ मई दो हजार चौबीस को तो इसमें अभी भी कुछ दिन बचे हुए अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग एन ए वी जो है टेन रूपीज पर यूनिट रहेगी और यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है ठीक है तो ये रेप्लीकेट करेगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स को एंड वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस एज लो एज रूपीज टू थाउजेंड पर मंथ ठीक सो बेसिकली दिस फंड विल इनेबल द पॉलिसी होल्डर्स टू जनरेट कैपिटल अप्रिशिएशन इन द लॉन्ग टर्म बाय रेप्लीकेटिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न

वो मिड कैप में इन्वेस्टेड रहेगा और 34 परसेंट वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहेगा तो यहाँ पे हमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर ठीक जहाँ तक बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की यानी कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स के रिटर्न्स की तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो तीन साल में करीब करीब अट्ठाईस परसेंट का रिटर्न रहा है पाँच साल में अट्ठाइस परसेंट का और वहीं पे दस साल में करीब करीब चौबीस परसेंट के आसपास रिटर्न दिया और इसको अगर हम कंपेयर करें बाकी इंडाइसेस से जैसे कि निफ्टी मिड कैप वन फिफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप टू फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी या निफ्टी फाइव हंड्रेड इवन तो इन सभी को कन्विंसिंगली इसने बीट किया है तीन साल पे पाँच साल पे या दस साल के ड्यूरेशन पे ठीक है जस्ट टू लेट यू नो अगर आपने 2014 में इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको आज के समय पे करीब एट पॉइंट सिक्स रिटर्न यानी कि मल्टी वैगर रिटर्न मिल रहे होते ओवरऑल लॉन्ग टाइम पीरियड ठीक है जहां तक बात करें आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की सो so बेसिकली ये जो कंपनी है इट इज प्रोमोटेड बाई आईसीआई बैंक लिमिटेड एंड प्रूडेंशियल कारपोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ का एयूएम अप्रोक्सिमेटली 2.9 लाख करोड़ के आसपास है एज ऑन 31 मार्च 2024 आपको जान के सरप्राइजिंग लगेगा कि आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ

प्रीवियसली दो एक्टिवली मैनेज फंड्स लॉन्च किए थे मिड कैप फंड जो कि सितंबर 2022 में लॉन्च किया था जिसने अभी तक since inception, 34% के आसपास दिए हैं और मिड कैप हाइब्रिड इन्होंने ट्वेंटी 2023 में लॉन्च किया था इसने since inception, अभी तक करीब 38% के आसपास दिए हैं ठीक है तो आप इस पर्टिकुलर एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं ऑन द पॉलिसी बाजार वेबसाइट बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर दी आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी जहाँ पे आप अपना नेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन फिल करने के साथ आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी जहां पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ये पर्टिकुलर एनएफओ है जो कि मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स फंड पे बेस्ड है और यहाँ पे स्टार्टिंग एन ए बी टेन रुपीज पर यूनिट की है ये एक एन एफ ओ है यानी कि न्यू फंड ऑफर है इसमें अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं अप्लाई करने के लिए ठीक तो यहाँ पे अगर हम गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि इट इज इंडस्ट्रीज फर्स्ट मिड स्मॉल कैप 400 फंड जहाँ पे आपको कंबाइंड पावर ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स मिलेंगे और इसके साथ ही साथ ध्यान दीजिए तो मिड कैप्स प्लस स्मॉल कैप्स आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन 400 मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स की डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ स्टॉक्स विच प्रोवाइड्स अ गुड ब्लेंड ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ स्टॉक्स ठीक है इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा करीब करीब 24 फोर परसेंट सी के साथ ग्रोथ किया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड ने और ध्यान दीजिए तो ग्रोथ पोटेंशियल इसमें बहुत ही ज्यादा है साथ ही साथ ये सिंस एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लीकेट करता है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में उस सर्टेन इंडेक्स के जैसे रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय के लिए और यहाँ पे हमें एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है ठीक है सो ये बेसिकली एक कैपिटल गारंटी प्लान है जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सेफ है यानी कि मेच्योरिटी पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल होगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप फोर इंडेक्स के जैसे रिटर्न मिलने का ठीक है इसके साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन है तो जैसा कि हमने बताया था आपको सेक्शन 80C के तहत पहले साल पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन लाख पर एन की जो भी आप डाटा इनपुट करेंगे राइट उसके बेसिस पे यहाँ पे टेन थाउजेंड पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है राइट तो यहाँ पे 1.2 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट पे 37.4 के आसपास टैक्स सेविंग हो सकती है अंडर सेक्शन एटीसी 12 लाख ओवरऑल पे करीब करीब 3.74 पॉइंट के आसपास टैक्स सेविंग हो सकती है और ध्यान दीजिए तो अंडर सेक्शन 10 टेन डी यहाँ पे जो मेच्योरिटी अमाउंट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पे आपको एल टैक्स देना पड़ता है ठीक तो ये बात भी आप नोट करके चल सकते हैं यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग मिलता ही मिलता है इसके साथ ही साथ आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न का भी बेनिफिट मिलता है और इसके साथ यहां पे आप ध्यान दीजिए तो आपको लाइफ कवर भी मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पर ठीक है इसके साथ ही साथ पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी यहां पे रहता है सो यू कैन विदड्रॉ मिनिमम ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर फंड वैल्यू इन अ पॉलिसी ईयर फ्रॉम द मार्केट लिंक प्लान आफ्टर फाइव ईयर्स ठीक तो यहां पे बेसिकली ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट राइट बारह लाख का ओवर टेन ईयर्स टाइम पीरियड टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ है मार्केट लिंक यहाँ पे करीब करीब फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रहेगा और गारंटेड यहाँ पे करीब करीब फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रहेगा सो बेसिकली पास्ट रिटर्न के बेसिस पे वन पॉइंट सेवन फाइव करोर के आसपास यहाँ पे हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर दिस पर्टिकुलर डाटा और गारंटेड रिटर्न यहाँ पे बारह लाख ,00 के आसपास रहेगा जो कि हमारा प्रीमियम अमाउंट है जो हम नेक्स्ट टेन ईयर्स के लिए पे करने वाले हैं ठीक है सो बेसिकली एज पर दिस डाटा इनपुट थर्टी ईयर्स के एज पे यहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट हो रही है टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ से और फोर्टी एट तक यहाँ पे प्रीमियम पे किया जाएगा यानी कि करीब करीब बारह लाख रुपए के आसपास पे किए जाएंगे और एट द एज ऑफ 24% एट ईयर यहाँ पर्टिकुलर इंडेक्स फंड ठीक है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले समय में इतने रिटर्न अगर आपको एटलीस्ट ट्वेंटी फोर परसेंट रिटर्न देता रहा है ये पर्टिकुलर निफ्टी मिड स्मॉल क्या फोर हंड्रेड इंडेक्स तो ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ यहाँ पे लमसम 1.75 करोड़ के आसपास मिल सकते हैं जिसमें कि 12 लाख रुपीज गारंटेड पे आउट रहेगा ठीक है तो आप इसमें पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी बाजार बेसिकली जो है वो सर्टिफाइड पार्टनर है विद आईसीआईसी प्रूडेंशियल जहाँ पे आपको हैसल फ्री सर्विस मिलती है और साथ ही साथ एक्सीलेंट क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है सो so यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार इज अ सर्टिफाइड पार्टनर इन एक्सीलेंस फॉर आईसीआईसी प्रूडेंशियल ठीक है सो so इस फंड का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ मिड स्मॉल कैप फोर इंडेक्स फंड जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं थ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक तो यहां पे अभी भी सात आठ दिन के आसपास बचे हुए हैं। इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप फोर हंड्रेड एंड इसमें स्टार्टिंग एज लो एज रुपीज टू थाउजेंड फोर मंथ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इसकी जो स्टार्टिंग एन है वो दस रुपए पर यूनिट की रहेगी ठीक है तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो पर्टिकुलर इंडेक्स है राइट निफ्टी मिड स्मॉल का फोर हंड्रेड इंडेक्स इसमें सर्टेन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए कैसे हम लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं अच्छा खासा बल्कि हम एक लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी पा सकते हैं तो इसकी सारी लिंक्स और डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी आप वहाँ से इसको एक्सप्लोर करके इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों निदा वीडियो आपको पसंद आई होगी इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी वीडियो को लाइक करिए कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर की किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है हमारी वीडियोज में कि आप ब्लाइंडली हमारे द्वारा डिस्कस करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते ताकि आप सीख सके और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह पर आगे बढ़ सके